जोकर है ही लगेगा क्या? एक बार सच में बता, अभी हीरो लग रहा है। टीटी होता है ना ट्रेन में, हाँ टीटी कैसे लग रहा है पूरा। अरे सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज निखिल मोदी एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये इंट्रो कैसा लगा। मतलब सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर दिया और मैंने यहाँ पे अपना रिंग लाइट जला लिया है, और पीछे वो दिवाली वाली लाइट्स होती है ना, वो मतलब समझ सकते हो पीछे जो आपको दिख रहा होगा वो जो थोड़ा सा रॉकिंग थोड़ा सा लुक देने के लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। सबसे पहले लाइट्स ऑन करते हैं, उसके बाद सारी बातें करते हैं। और आज का वीडियो कुछ नया होने वाला, कुछ हटके होने वाला है। तो मैं आपको पता होगा कि लास्ट प्रीवियस ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज में। कॉलेज तो खुला नहीं और आज है लॉकडाउन का सेकेंड डे, तो क्या करते हैं शाम में कुछ करने का रहता नहीं, तो सोचा कुछ एक नया वीडियो बना लिया। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, कोई गेस कर सकता है मैं क्या करने वाला हूँ? नहीं, तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। आज मैं करने जा रहा हूँ कॉलेज का यूनिफॉर्म ट्राई करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट टाइम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब जब मैं कॉलेज में एडमिशन कराया था उसी दिन सब मेजरमेंट में देके आ गया था कॉलेज में, कॉलेज से ही उन्होंने यूनिफॉर्म दिया। तो लेके भी आ गया था अपने लास्ट कुछ बहुत पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कॉलेज गए थे यूनिफॉर्म लेके आए थे हम सब फ्रेंड्स से मिले थे, फ्रेंड्स वाला ब्लॉग था जिस दिन। तो आज उतने दिन बाद ऑलमोस्ट एक या डेढ़ महीने बाद आज मैं उस यूनिफॉर्म को ट्राई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म निकालते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो या तो सबसे पहले है ये कॉम्प्लीमेंट्री बैग जो वहाँ से दिया गया था फ्री, मतलब इसमें तो कुछ हाँ ब्लेजर रखने का ही काम आएगा इसमें। और यहाँ है अपने पास दो पेयर ऑफ सॉक्स, एक टाई, और इसके अंदर देखते हैं ये दो कैरी बैग में क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, निखिल मोदी BBA। तो ये है उनके कुछ पैंट्स, बहुत ज्यादा ओवर साइज लग रहा है, जहाँ तक देखते हैं ब्लॉग एंड तक पता चल जाएगा ओवर साइज अंडर साइज। मुझे तो देखिए बहुत ज्यादा ओवर साइज लग रहा है, देखते हैं ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, बहुत फनी होने वाला है। मुझे तो लग रहा है ओवर साइज, और मुझे ओवर साइज कपड़े पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो ये हो गए पैंट, और ये है शर्ट, नेवी ब्लू कलर का शर्ट है, यू नो इसमें उसकी कॉलेज की लोगो भी दिया हुआ है यहाँ पे BC रॉय। और लेट्स सी इसमें क्या है। सो या ब्लेजर जिसमें ऑब्वियसली कॉलेज का लोगो है। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं। सो ये रहा शर्ट, देखते हैं, मुझे तो ओवर साइज भी लग रहा है, मतलब देखते ट्राई करते हैं। और हाँ, सबके फैमिली रिएक्शन भी लेने हैं। तो शर्ट की फिटिंग ऑलमोस्ट मतलब लूज ही, आप देख सकते हो, मतलब थोड़ी इतनी होनी चाहिए इतनी, बट लूज है। और हाथ भी आप देख सकते हो, मुझे सब कुछ सही सा नहीं लग रहा। I'm looking more like a corporate sector employee than a student. मतलब देख सकते हो कलर कंट्रोल होता है। मतलब मैं यूनिफॉर्म में कुछ नहीं बोल रहा, बट फिटिंग बिल्कुल भी नहीं। और उस अंकल ने क्या ही फिटिंग लिया था मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। बट पर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जब जिस दिन कॉलेज का फर्स्ट डे होगा उस दिन आप मेरा लुक देखना, क्योंकि मुझे ये ओवर साइज कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं फुल्ली फिट, मतलब अच्छा जो पोस्चर जिसमें अच्छा आता है कपड़ों में, बस मैं उसी तरह कपड़े पहनता हूँ। तो गाइस एक बार आप रियर कैमरे से ही मुझे मिरर में देख लो, मतलब हाथ कैसा सा है। ये वेस्ट की फिटिंग ठीक है, और एक बार आप पैंट देखो गाइस, तो कितना ज़्यादा ही ओवर साइज्ड है। तो एक और प्रॉब्लम हो गई है, मुझे टाई बांधनी नहीं आती। देखते हैं ट्राई करते हैं, फिगर आउट करते हैं ट्राई ट्राई कैसे ट्राई बोल रहा हूँ टाई कैसे बनाया जाता है। मतलब हो गया लास्ट, मैं टेंथ में बांधना भूल गया था गाइस टाई, 11th 12th में मैं बना बनाया टाई बना तो रेडी रहता था टाई। दीदी बना दीजिए, दीदी तो अभी सोई हुई है तो उसे उठाने का मतलब है सीधा मार खाना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो फिगर आउट करते हैं कैसे टाई बनाया जाता है। सो समहाउ आई मैनेज्ड, मैंने टाई को थोड़ा बहुत मतलब देख सकते हो, प्लीज़ कुछ ये सोचना मत, मतलब जिस तरह टाई बना मुझसे उस तरह थोड़ा टाई पहनते हैं अच्छे से। This struggle is real, guys. तो ऐसा कुछ लग रहा हूँ मैं, एक क्या बोलूँ, समझ में खुद भी नहीं आ रहा है। 11th 12th और मैं मतलब मैं जो प्रीवियस स्कूल में था 8 से लेकर 12th तक, आप मेरी यूनिफॉर्म देखते ना इसको पता चलता कि मतलब अच्छा, मतलब मुझे एकदम फुल फिट कपड़े पहनने अच्छा लगता है। थोड़ा सा लूज उतना नहीं कि बस चिपका हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं, हल्का सा रहे कि थोड़ा सा पोस्चर भी अच्छा दिखे। तो सबसे पहले आए दीदी के पास रिएक्शन लेने के लिए, और दीदी आई डोंट हैव एनी रिएक्शन। ऐसा मत करो यार, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। मतलब बता तो दो कैसा लग रहा है, यहाँ सब वेट कर रहे हैं, फिर फोटो।
अरे दीदी प्लीज यार, तुम लोग तुम मेरा स्टेटस डाल दोगी मुझे पता। अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? वो जो टीटी लोग होता है ना। हाँ टीटी होता है ना ट्रेन में। हाँ टीटी कैसे लग रहा है पूरा? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी इतना गंद, मतलब बेइज्जती तो नहीं, मतलब टीटी अच्छे होते हैं लेकिन मतलब लुक एट दिस गाइस, मतलब कितने ज्यादा ही ओवरसाइज। मैंने लाइफ में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। तुम ही बताओ मेरा 8 से लेकर 12 तक का यूनिफॉर्म कितना सही था, मतलब कितना मैं मतलब अपने ड्रेस को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं। मुझे ड्रेस अच्छा चाहिए, यूनिफॉर्म हो या कोई भी कपड़े हो। मतलब पैंट देखो गाइस, मतलब ये तो अंकल अंकल जी, मतलब क्या बोलूं, एकदम फैला फैला पैंट। पापा को तो मम्मी बुला रही है। दीदी मम्मी बुला रही है। एक दो अभी आए मम्मी के पास और मम्मी एक बार देखो मम्मी मेरी, और मतलब कितना जोकर जैसा लग रहा है ना। देखो तो रिएक्शन तो कुछ तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। तो जोकर है ही लगेगा क्या? एक बार तुम एक बार सच में बताओ मतलब। और मम्मी यहाँ बना रही है गोभी का पराठा और हाँ खाएंगे, लेकिन एक बार तुम सच से ऑनेस्ट रिव्यू दो। मम्मी एक बार ऑनेस्ट रिव्यू दो, हम कैसे लग रहे हैं? मतलब ऑनेस्ट बहुत सुंदर सुंदर, क्या सुंदर लग रहे हैं यार। मतलब देखो पैंट देखो कैसा पैंट है, एकदम फैला फैला एकदम लूज मोटा जा अंकल अंकल जी वाला पैंट। सो अभी यहाँ दादाजी ग्राम, आपको ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रहा है तभी तो चादर है। तुम ये क्या पहना है? ये कॉलेज का ड्रेस है। मतलब कितना मतलब जोकर जैसा नहीं लग रहे हैं बताइए तो, कितना लूज है दादी? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हीरो लग रहा है। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। हीरो तो हम स्कूल के टाइम में लगते थे, अभी देखिए ना। अब पैंट देखिए कितना फैला फैला पैंट है, कितना लूज। अच्छा है, सब ठीक है, हम लोग को पसंद अच्छा है। ये अच्छा पसंद है। हाँ, ये लूज लूज शर्ट। हाँ, अच्छा पसंद है। कैसा हाथ वाथ सब ढीला है? तुमको जैसा लगे लेकिन हमको अच्छा पसंद है। सो अभी आए हैं पापा के पास रिएक्शन लेने। आप सच सच बताइए कॉलेज यूनिफॉर्म में हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कितना लूज है देखिए पैंट शर्ट सब। अंकल ने क्या ही फिटिंग लिया, तो आपका रिएक्शन कैसा? मतलब अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अंकल यहाँ फ्राई कर रहे हैं अंडा ऑमलेट बनाने के लिए, और आप एक बार सच सच रिएक्शन बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं इसमें, मतलब कॉलेज यूनिफॉर्म में सच एकदम ऑनेस्ट। और गाइस हमारे घर में मतलब किचन में अलाउड नहीं है कोई भी, किचन में ये वाले है वो घर के किचन में नॉनवेज बनना, तो इसीलिए अलग जगह पे ये सब बनता नॉनवेज। रितिका दीदी मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा। पक्का श्योर? हाँ। इतना लूज मैं कैसा लग रहा हूँ यूनिफॉर्म में? आप ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए, इतना लूज यूनिफॉर्म अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और क्या लग रहा है, स्टूडेंट जैसा और क्या। कितना बेकार लग रहे हैं। और यहाँ दीदी खा रही है गोभी का पराठा बटर लगा के। आ रहे मम्मी? हाँ सबका रिएक्शन लेने, छोटे एंगल छोटे सब अच्छा ही लग रहा है लेकिन हमको पसंद। तो मैं तो भूल ही गया था, मतलब गिम्बल से निकाल दिया फोन, उसके बाद याद आया अरे ब्लेजर तो रखा हुआ है, मतलब बगल में ब्लेजर रखा हुआ था, और ब्लेजर की फिटिंग अच्छी आई है, मतलब कह सकता हूँ। हाँ ब्लेजर का फिटिंग अच्छा है, मैं आपको रियर कैमरे से एक बार दिखाता हूँ मिरर में, मतलब ब्लेजर अच्छा लग रहा है, अब सही लग रहा है ब्लेजर के साथ, लेकिन पैंट स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग इट। थैंक यू। तुमको बारात जाना है ना फिर से, तो एक बार आप ब्लेजर का फिटिंग देखो, ब्लेजर की फिटिंग सही आई है, मतलब लूज है बट स्टिल शर्ट से तो अच्छी ही है, मतलब हर तरीके से, मतलब ब्लेजर सही है, मतलब ब्लेजर इन्होंने अच्छे दिया है कॉलेज वालों ने। सो कॉलेज वालों की कोई गलती नहीं है। सो आपने देखा सबका रिएक्शन घर में कैसा था, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट फिर भी बहुत सही लग रहा है, लेकिन नीचे पैंट मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। पैंट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिटिंग्स पसंद नहीं आया बट, और ऊपर वाला फिर भी सही लग रहा है। ये टाई वाई ठीक है, जैसा भी है यूनिफॉर्म में कुछ बोल भी नहीं सकते। बाहर तो टेलर अवेलेबल है तो वहाँ से करवा लेंगे हम इसे अल्टर, थोड़ा सा अल्टर करवाना है ज़्यादा नहीं। हाँ पैंट ज़्यादा अल्टर होगा क्योंकि पैंट बहुत ज़्यादा ही लूज है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पैंट। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद, अगर पसंद आया तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। तो प्लीज सब सारा खबर सबरा कराए सारा सारा।